नमस्कार मित्रों, हमने सात्विक राजसी तामसी व्यक्तियों का स्वभाव, उनका भोजन, उनके काम करने की पद्धति, इन सब की बात की। यज्ञ दान तपह, जरा तपस्या की बात देखते हैं। भगवान कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञे पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देखिए, संसार में देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी लोगों का पूजन करना, पवित्रता, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु और जो श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, उनका पूजन करना, शौच यानी पवित्रता, आर्जवम यानी सरलता, ये सारी पीछे बातें हो चुकी हैं, और ब्रह्मचर्यम अहिंसाचा, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा का आचरण करना, ये शरीर संबंधी तपस्याएं हैं। देखिए, तपस्या शरीर भी करता है, तपस्या मन भी करता है, तपस्या आत्मा भी करती है। शारीरिक तप की बात करते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देवता, ब्राह्मण, गुरु और जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी पूजा करनी, उनकी आराधना करनी, उनका अर्चन करना, उनके साथ बैठना उठना, ये शारीरिक तप का पहला भाग है। शौचम आर्जवम, पवित्रता का ख्याल रखना, यहां सिर्फ शारीरिक पवित्रता नहीं है, मानसिक पवित्रता भी जरूरी है, क्योंकि शारीरिक पवित्रता से शरीर पवित्र होता है, और आर्जवम जो सरलता है, स्वभाव की जो कोमलता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप आंतरिक रूप से पवित्र होंगे तभी प्राप्त होगी। तो शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाचा, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का आचरण करना, ये शारीरिक तप है। देखिए, ब्रह्मचर्य को थोड़ा समझें। यहां ब्रह्मचर्य शब्द जो है ना, बड़ा ही संकुचित होता चला गया धीरे धीरे। ब्रह्मम चरतीति ब्रह्मचारी, ये था कि जो ब्रह्म का ध्यान करे, ब्रह्म में आचरण करे, ब्रह्म की संदर्भी चर्चाओं में रहे, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता था। धीरे धीरे क्या हो गया कि जो लंगोट का पक्का हो उसी को ब्रह्मचारी कहा जाएगा। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ बदल गया। तो यहां जब शारीरिक ब्रह्मचर्य की बात हुई है तो यही है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हो और अहिंसा का आचरण करे। अब ब्रह्मचारी जो व्यक्ति होगा वो कभी किसी नारी का अपमान, किसी नारी के प्रति गलत व्यवहार, किसी नारी के प्रति उसकी गलत भावना, इन सब चीजों की शुद्धि हो जाती है एक ब्रह्मचर्य की वजह से। हमारे यहाँ कभी भी शारीरिक कर्म सिर्फ शारीरिक नहीं होते हैं। आप अगर शरीर से हिंसा नहीं कर रहे हैं और मन से हिंसा कर रहे हैं ना, तो भी आपके आचरण में वो दिखाई देगी। अगर आप शरीर से तो ब्रह्मचारी बने हुए हैं कि नहीं साहब, मैं तो किसी को टच भी नहीं करता हूँ, लेकिन अंदर अंदर से अगर आपके अंदर उसकी लोलुपता दिखाई दे रही है तो वो भी दिखाई दे जाएगी। इसलिए ये शारीरिक तप कहे गए हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। शरीर का तप हो गया, अब वाणी की तपस्या की बात कर रहे हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को बुरा ना लगे, किसी को उद्वेग ना हो, किसी के मन में जिससे ग्लानि ना हो, इस प्रकार की भाषा का आप उपयोग करेंगे। सत्यम, सत्य बोलने वाला, प्रिय हितम च यत, और सिर्फ सत्यम नहीं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इस प्रकार से बोलने वाला। देखिए, ऊपर की पंक्ति में ये सारी चीजें आ गई हैं। अगर आप सत्य बोल रहे हैं, किसी को पीड़ा हो रही है, तो सत्य की बात यहां नहीं कही गई है। सबसे पहली बात ये कही गई है कि आपको ऐसा वाक्य बोलना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय। बहुत छोटा था, प्राइमरी में पढ़ता था, तभी कुछ दोहे आए थे कोर्स में,
और उनका पालन अगर जीवन में कर पाए हम तभी उनको पढ़ना सार्थक है, नहीं तो बेकार है। आज गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि वाणी की तपस्या यह है कि आप किसी को बुरा लगे ऐसा नहीं बोलें, सत्य और प्रिय कारक जो हो, जो प्रिय हितम, प्रिय कारक का अर्थ खाली उसको अच्छा अच्छा लगे ऐसा नहीं बोलना, उसके लिए हितकारी भी होना चाहिए। आप कहेंगे ये कैसे संभव, क्योंकि जो हितकर होता है, जो श्रेयकर होता है, हितकर यानी श्रेय होता है, वो प्रिय नहीं होता, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और जो अच्छा लगता है वो श्रेयकर नहीं होता है, वो हितकर नहीं होता है, तो ये सब चीजें कैसे संभव है। भैया काणे को काणा कहो तो बुरा लग जाता है, और प्रेम से पूछ लो कि भैया कैसे ये आपके साथ दुर्घटना क्या हुई, कैसे फूट गई, तो पूरी रो रो के पूरी कहानी सुना देगा। हमें अपनी वाणी पे इतना कमांड तो होना चाहिए, हमें अपनी भाषा पे इतना आधिपत्य तो होना चाहिए कि जब हम किसी से बात करें तो हम सत्य भी बोलें, उसके लिए जो हितकर है वो बात भी उसमें रखें, उसको प्रिय लगे इस प्रकार से उस बात को कहें और उसको पीड़ा ना पहुंचे इसका हम ख्याल रखें, तभी हमारी भाषा और हमारा आधिपत्य भाषा पर का ये जिसको कहें कि सार्थक है, अन्यथा तो ठीक है, कुत्ते को भी लगता है कि हमारे एरिया में आ रहा है तो जोर जोर से भूसने लग जाता है, वो ये थोड़ी सोचता है कि जब मैं भौंक रहा हूं तो सुनने वाले को बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है। हम भी अगर इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं तो प्राणियों में और हम में अंतर क्या है, यही तो अंतर होना चाहिए। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते, स्वाध्याय करना और अभ्यास करना। देखिए मैंने तो पहले इस बात को कहा था कि अगर कोई अध्यापक है और वो नहीं पढ़ता है, देखिए व्यापारी भी जो व्यापार करता है ना उसको भी सुबह से शाम तक सोचना पड़ता है कि यार मेरे धंधे में क्या नया आ रहा है, क्या नया मैं लेके आऊं और क्या पुराना आउट ऑफ डेटेड हो गया जिसको मुझे निकालना है, उसको भी अपने धंधे के बारे में सोचना पड़ता है। आप किसी भी लाइन में होंगे ये स्वाध्याय और अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप स्वाध्याय अभ्यास नहीं करेंगे ना तो आउट ऑफ डेटेड होकर के पीछे रह जाएंगे, आप समय के साथ नहीं चल पाएंगे। वाङ्मयम् तप उच्यते, तो स्वाध्याय करना, पठन पाठन करना और अभ्यास करना, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का अपनी वाणी से नामोच्चारण करते रहना, जिसको भी आप मानते हो, चाहे जय स्वामीनारायण बोलें, अल्लाह बोलें, ईश्वर बोलें, राम बोलें, भगवान बोलें, ओम नमः शिवाय बोलें, जो कुछ भी आप बोलते हो ये वाणी का तप है, ये वाणी की तपस्या है, और वाणी की तपस्या आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ ये स्वाध्याय अभ्यसनम चैव जो कहा ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहती है। हम इस पे सिर्फ शब्दों पे जाकर के आगे बढ़ जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। एक अभ्यास होता है, आप अगर एक माला हाथ में लेते हैं और आप बोलते रहते हैं राम 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 राम, बीच में कोई बात आती है आप वो बात कह देते हैं और फिर आप अपनी माला के अभ्यास में लग जाते हैं, ये बड़ा ही उत्तम तरीका है। ये तपस्या का वो तरीका है जिसको जप यज्ञ बोला जाता है, ये इस प्रकार का यज्ञ है कि जब आप किसी नाम को बराबर बराबर जपते रहते हैं, आपके अभ्यास में जब वो बात आ जाती है तो क्या होता है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बात करते करते भी आपके मुख से वो शब्द निकलता रहता है। कई लोग अगर उठेंगे और उनको दर्द हो रहा, ओ माँ, अरे माँ मर गया, अरे बाप मर गया, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग रहे अरे भगवान, हे श्याम सुंदर, वो इस प्रकार से भगवान का नाम लेते हैं। ये अभ्यास है और ये आपकी वाणी का अभ्यास है, आपको नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब आप चार लोगों के बीच में होते हैं और आपकी वाणी के अभ्यास के जो शब्द हैं वो जब निकलते हैं ना तो उसकी असर लोगों के ऊपर होती है। जब आप चार लोगों के बीच में ये बोलते हैं कि हे भगवान, तो लोगों को समझ में आता है कि आप ईश्वर के प्रति आस्तिक हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, यानी वो आप पे विश्वास कर सकता है। लेकिन अगर आप उस जगह पे आपके मुंह में से कोई गाली निकलती है, अभ्यास तो अभ्यास है,
बहुत से लोग एक वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य में आगे पीछे बीच में और कितने बार गालियों का उपयोग करते हैं, अपशब्दों का उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा व्यवहार में। ये सब वाणी के संयम की बातें हैं। आपने जिस चीज का अभ्यास कर लिया, आप जो बोलने लग जाओगे वो आपके अभ्यास में आ जाएगा। अब ऐसा व्यक्ति जब किसी की उपस्थिति में बोलेगा तो उसकी वाणी उसका परिचय दे देती है कि भैया ये किस प्रकार का व्यक्ति है। तो ये बड़ा ही स्वाध्याय और अभ्यास, ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको अपनी वाणी में, कुछ लोगों के कुछ तकिया कलाम हो जाते हैं, ये अभ्यास का परिणाम होता है। वो कुछ भी बोलेंगे तो बीच में मतलब 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 10 बार मतलब शब्द का प्रयोग करेंगे, कुछ लोग किसी और चीज़ का प्रयोग करेंगे, कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो तकिया कलाम हो जाते हैं। लेकिन तकिया कलाम भी अगर आपको बनाना है तो किसी ऐसे शब्द को बनाइए जिसको सुन करके लोगों को, हमारे गुरुजी थे रामजीलाल शास्त्री करौली वाले पंडित जी, जिनका मैं हमेशा नाम लेता रहता हूँ, आजीवन जिनका मैं आभारी रहूँगा कि जिन्होंने मुझे कुछ अपने पास से ऐसे गुण और कुछ ऐसी बातें दी हैं कि आज मैं आप सबके साथ बैठ सकता हूँ, आप सबके साथ कुछ चर्चा कर सकता हूँ। उनका प्रिय वाक्य था, राधा राधा श्री श्याम सुंदर। वो हमेशा बोलते थे, सोते उठते बाहर जाते, जब वो मथुरा में ऐसे नगर में निकलते थे, कभी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाया करता था, तो सबको पता था कि वो यही वाक्य बोलते हैं। तो जो भी मिलता था, पंडित जी राधा राधा श्री श्याम सुंदर, राधा राधा श्री श्याम सुंदर। हम कभी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हम कभी गुड नाइट बोलते हैं, हम कभी कुछ बोलते हैं, वो हमेशा एक ही वाक्य बोलते थे, राधा राधा श्री श्याम सुंदर, राधा राधा श्री श्याम सुंदर। तो ये अभ्यास है। आप जब इस अभ्यास को करेंगे ना, अगर आप गाली का अभ्यास कर लेंगे तो आपके मुख में से गाली निकलेगी, और आप अगर मुख में से ईश्वर के नाम का अभ्यास कर लेंगे तो ईश्वर का नाम निकलेगा, और यही वाणी की तपस्या है। शारीरिक तप देखा, वाणी का तप देखा, अब जरा मानसिक तप की बात करते हैं। हमारे यहां मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जो शरीर से किए जाएं, वाणी से किए जाएं और मन से किए जाएं। शरीर और वाणी की तपस्या हमने देख ली, मन की तपस्या देखते हैं। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येत तपो मानस मुच्यते। मन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, आप कुछ भी करें, आप कैसे भी करें, लेकिन अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है तो सब कुछ बेकार है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा नहीं है तो हरिद्वार जाके भी आप नहाइए, कोई लाभ नहीं होने वाला है। मन प्रसाद, सबसे पहली बात की है कि मन प्रसन्न होना चाहिए। सौम्यत्वम, स्वभाव में शांति होनी चाहिए। मौनम, आत्मविनिग्रह। देखिए मौन जो है ना, इसमें 1000 गुण है। अगर आपको आत्मविनिग्रह करना है, आपको सौम्य रहना है, आपको मन की शांति चाहिए, मौन से ये सारी चीजें संभव है। वैसे तो हम ये भी कहेंगे कि अगर मन की शांति और मन की प्रसन्नता है तो ही आप मौन भी रह पाएंगे, नहीं मौन रहेंगे कहां से। अगर मन में अशांति है तो फिर आपको चिल्लाने का मन होगा, मौन थोड़ी रह सकते हैं। मौनम, आत्मविनिग्रह, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। आत्मविनिग्रह, अपने अंदर उस पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करना, उसका चिंतन करना। भाव संशुद्धि, जो भावनाएं हैं उनको शुद्ध रखना है। अगर हमारे मन में कभी किसी के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाती है तो भाव शुद्धि नहीं होगी। कई बार क्या होता है, देखिए रामायण चल रहा है, दोबारा से शुरू हुआ है, अगर आप देखते हैं तो कैकेयी के प्रति लक्ष्मण के भाव देखें, कैकेयी के प्रति भरत के भाव देखें, शत्रुघ्न के भाव तो नहीं दिखाए, और राम के भाव देखें, पूरी अयोध्या वालों की कैकेयी के प्रति भाव देखें आप, सबके भाव में अशुद्धता है, लेकिन राम के भाव की शुद्धि दिखाई देती है। ये है भाव संशुद्धि, कि आप किसी के बारे में, किसी को आप ये सोच ही नहीं सकते कि उसने मेरा बुरा किया है। निमित्त कोई भी बन सकता है, कोहु न काऊ सुख दुख कर दाता,
निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये राम ने कहा कि कोई किसी के सुख या दुख को देने वाला नहीं है, अपने किए हुए कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है। हाँ, निमित्त तो किसी ना किसी को बनना है, भगवान तो स्वयं नीचे आके आपके गाल पे थप्पड़ नहीं मारेगा, अगर उसको थप्पड़ लगाना है तो किसी ना किसी को खड़ा करेगा, किसी ना किसी के माध्यम से ही आपके गाल पे थप्पड़ मारेगा कि समझ जा बेटा ये तू गलत कर रहा है। अब आप निमित्त में उसी को ये मान लें कि अरे इसने तो हमारा बड़ा बुरा किया है, तो ये भाव संशुद्धि का अर्थ यह है कि मन से आपको दूसरों के प्रति जो भावनाएं हैं उनको हमेशा शुद्ध रखना पड़ेगा। ये मानसिक तपस्याएं कही गई हैं। मैं मौन की बात कर रहा था, एक सुंदर घटना आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है कि नवरात्रि भर मैंने निश्चय किया कि मैं पूरी नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा और मौन रहूंगा। अब तब मैं कॉलेज में पढ़ाता तो था नहीं, नवयुवान था, बिल्कुल उसी साल संभवतः मैंने एमए कंप्लीट किया था, पीएचडी मेरा चल रहा था, तो निर्णय था। लेकिन जीवन के कार्य तो बंद नहीं कर दिए जाते हैं, प्रातःकाल अपना जो भी विधि विधान है वो पूरा करने के बाद एक बार निकला ऐसे, तो एक बस में जब मैं बैठा तो मुझे जहाँ जाना था, अब उसने पूछा कंडक्टर ने टिकट लेने के लिए कि भाई कहाँ की टिकट देते हैं, तो मुझे तो बोलना नहीं था, मैं तो मौन था, मैंने कहा इशारा किया, तो उसने अगले स्टेशन का नाम लिया, मैंने फिर इशारा किया, ऐसे वो चार पांच स्टेशन के बाद का मेरा स्टेशन था, तो जब उसने उस स्टेशन का नाम लिया तो मैंने कहा कि हाँ वहाँ की टिकट चाहिए, उसने टिकट दे दी। अब मेरे आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब वहीं पास में बैठी हुई एक थोड़ी बुजुर्ग महिला थी और उन्होंने कहा अरे कितना सुंदर लड़का है और देखो बोल नहीं पाता है, अच्छा है इसको सुनाई तो देता है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है जीवन में, कोई आपको ऐसे भी समझ लेगा। तो समझने की बात यह है कि अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो ये सारी चीजें जो हैं ये मानसिक तपस्या कही गई हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको ये बताया कि शारीरिक तप कौन से हैं, वाणी से किए जाने वाले वाचिक तप कौन से हैं और मानसिक तपस्याएं क्या हैं। अब सात्विक लोग किस प्रकार की तपस्याएं करते हैं, राजसी लोग कैसी तपस्याएं करते हैं और तामसी लोग कैसी तपस्याएं करते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। श्रीमद् भगवद गीता चल रहा है, 17वां अध्याय है, जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी है। आनंद लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।